मैं बैजू ठाकुर गोशामहल डिवीजन से बीसी सेल सेक्रेटरी। हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब को जी अगर पार्टी दिए तो यहाँ पर से हम चंद्रबाबू नायडू को जीताएंगे यहाँ पर से गोशामहल डिवीजन से। चंद्रबाबू नायडू साहब को जीता है तो यहाँ पर रेटा कम होते और रेटा ये होते और ये लड़ाई झगड़े का कम होता, गुंडागिर्दी कम होता है यहाँ पर। चंद्रबाबू नायडू साहब अच्छे आदमी है, दो बार यहाँ पर गोशामहल से जीते। मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, 15 साल से काम करता हूँ टीडीपी में। टीडीपी का ग्रीप अच्छा है ना, अभी भी टीडीपी नहीं है तो भी यहाँ पर अच्छा टीडीपी को छाने वाले हैं गोशामहल डिवीजन में और अच्छा काम करते हैं। अभी भी चंद्रबाबू नायडू हमारे को टिकट दिया तो हम लोग पूरे काम करते हैं इधर गोशामहल डिवीजन से। अभी तो गोशामहल में कौन जीतेंगे रहे मालूम, वो तो हमारे बाबू साहब को दिए तो हमारे को अच्छा रहता है, यहाँ पर से टिकट हम जीतेंगे और बाबू साहब को। कांग्रेस और टीडीपी मिलकर काम कर रही है इधर, बाबू साहब को टिकट मिले तो अच्छा रहता। यहाँ पर टीडीपी से किसको भी अगर बजरंग शर्मा साहब को किसको भी टिकट दिया तो हम उनके साथ काम करेंगे और यहाँ पर के प्रॉब्लम आप पूरे सॉल्व करेंगे और अच्छा होता पूरा ये पर। और बजरंग शर्मा साहब को दिए तो या सांबा सुभाष साहब को दिए तो, शेखर अन्ना को दिए तो, किसको भी दिए तो उनके साथ हम लोग काम करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे। इधर टीडीपी का यूथ का अच्छा है ना, पूरे मिलकर काम करते हैं टीडीपी में, सब अच्छा काम करते, एक को एक मिल लेते, एक को एक फोन आ करते, मीटिंग आ रहे तो बुला लेते एक को एक। इलेक्शन के बारे में देखो ना, वो कौन सी पार्टी आए तो अच्छा है उनके वो देख रहे हैं। यहाँ पर टीडीपी से दिए तो टीडीपी पार्टी के हमारे लोग लड़ेंगे तो आए तो उन लोगों का अच्छा होगा जरा।